25 जनवरी को एक अर्णब को लेके टारगेट किया गया, शो बनाया गया, और उस पे जो है रवीश ने इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई जिसमें पार्थो दासगुप्ता जो है बाघ के एक्स चेयरमैन हैं, उसकी और अर्णब के बीच के चैट लीक हुई थी। 10 दिन हो रहे हैं, आप सबको पता है। चैट के कुछ कुछ हिस्से निकाल के उस पे जो है एक अलग ही इन्होंने शो बनाया। दूसरा चीज़ है कि अब पुलिस के अनुसार जिसने अपने एफआईआर में पहले इंडिया टुडे का नाम डाला था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनके एफआईआर में अर्णब और रिपब्लिक का नाम तक नहीं था, तो चल रहा है, ठीक है, पुलिस है, मुंबई पुलिस दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे अच्छी पुलिस है, तो अपना काम कर रही है। अब उन्होंने एक बयान छापा और वो बयान जो है लीक हुआ है मीडिया में कि इन्होंने बोला कि 40 लाख रुपया जो है दिया गया कि टीआरपी को मैनेज करना है। अब इसी पर कुछ चतुर चंपू जो हैं वो ये लिखते नज़र आते हैं कि अर्णब पे है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यही बात अगर रवीश या प्रणय रॉय पे होती तो उन्हें किस तरह से मतलब हाउंड किया गया था। पहली बात, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो। तुम लोग झाटू वामपंथी हो, मैं जानता हूँ, तो इन झाटू वामपंथियों और लिबरानवों को मैं कहना चाहूँगा कि प्रणय रॉय पे ईडी का, सीबीआई का, सेबी का, इनका केस है। प्रणय रॉय पे और उनकी बीवी पे 234 करोड़ का इनकम छुपाने और मतलब उससे लाभ कमाने का आरोप सिद्ध हो चुका है। उन्होंने ट्राइब्यूनल में अपील किया था, ट्राइब्यूनल ने भी उसको ठुकरा दिया और उन्हें 234 करोड़ जो है वापस करने होंगे। शेयर को लेकर धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, तो ये किसी पुलिस में किसी आदमी ने प्रणय रॉय को लेकर बयान नहीं दिया था। उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, उस पर चोरी का, पैसे के गबन का, इस तरह के गैरकानूनी काम करने का आरोप साबित हुआ और वो अपराधी है। वो जहां तक जा सकता था गया। 32 शेल कंपनियां बनाई थी एनडीटीवी ने और उसके थ्रू पैसा यहां से वहां, वहां से वहां घूम घूम के आ रहा था। कई तरह के कांड किए हैं, इसलिए प्रणय रॉय पे हमेशा कहा जाएगा वो अपराधी है, अपराध उस पर सिद्ध हो चुका है। अर्णब के बारे में पुलिस के सामने दिया गया बयान जो कि इनएडमिसिबल होता है, उसको लीक करके और चलाया जा रहा है। और यही जब हम ताहिर हुसैन के बयान की बात करते हैं, सपूरा जरगर के बयान की बात करते हैं, उमर खालिद के बयान की बात करते हैं जो कि चार्जशीट में फाइल है, तब कहा जाता है कि नहीं 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 ये तो जो है आप हिंदू मुस्लिम घृणा का बीज रोप रहे हैं। भाई, ताहिर हुसैन के हैंडराइटिंग में है, तो जब तुम इसको स्वीकार रहे हो तो उसको भी स्वीकारो। स्वयं जब तक तुम दूध के धुले नहीं हो, स्वयं तुम्हारा मालिक पैसों के हेर फेर में, इसी सब कांड में और सैकड़ों करोड़ के पैसों के हेर फेर में लगा हुआ है, तब तुम कम से कम तुम तो ज्ञान मत दो इस तरह की चीजों को। अर्णब को लठैत, बाहुबली और सत्ता का गुर्गा कहा, तुम किसका गुर्गा हो? विपक्षियों का। तुम उन्हीं के मुद्दे को तो लगातार कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हो, तो तुमसे ज्यादा तुम उसको सांप्रदायिक बोल रहे हो, तुमसे ज्यादा हिंदू मुसलमान पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति नहीं करता। व्यक्ति बोल रहा हूं, एंकर नहीं बोल रहा हूं मैं, व्यक्ति, कि पूरे भारत में आप इसका पूरा टाइमलाइन देखिए, ये हिंदू मुसलमान वर्ड कितने बार इस्तेमाल करता है। आप इसके प्राइम टाइम में जाइए, ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता वाली बातें कितनी बार यूज करता है, और ये डबल ब्लॉक खेलता है। ये दूसरों को सांप्रदायिक बताने के चक्कर में ये एक तरह के लोगों की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, उनके मन में खौफ क्रिएट करता है कि सत्ता ही तुम्हारे विरोध में है और ये देखो ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। तुम उनके भीतर डर भर कर तुम उन्हें हिंदुओं के खिलाफ उकसाने का काम कर रहे हो, और ये लंबे समय से हो रहा है। लेकिन इसका दुर्भाग्य कि इसका कोई भी डिजाइन जो है लोगों को, अब लोगों को जब तुम लोग सब मिल के गिरोह बना के घेराबंदी कर रहे थे मोदी की और वो ज्यादा वोट पाके वापस आ जाता है, तब तुम्हें उसे जो है फांसीवादी, आपातकाल, फलाने का जो जो जिसको कहना है कह ले, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सत्य यही है कि मोदी सत्ता में जा रहा है और उसके पार्टी और सरकार की स्वीकार्यता बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो
तो तुम्हें जो रोना रोना है कि सांप्रदायिकता चल रहा है फलाना ढिमका, वो हर दिन दिखता है भाई। तुम्हारे फेफड़ों में सांप्रदायिकता का विष घुला हुआ है, वो सब दिख रहा है। ये वही बात होगी कि रवीश जब अर्णब को दूसता है, हम लोग अपने उधर ठेठी भाषा में बोलते हैं कि चलनी दूसे सूप के जकरा में 72 छेद, मतलब चलनी छलनी जो होती है जिससे आटा चालते हैं हम, तो वो सूप के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। सूप जो बांस की बनी हुई, मतलब एक होता है जिससे आप फटकते हैं, फटकना बोलते हैं, तो चलनी सूप को दूसरा है कि तुम में तो इतना छेद है, और चलनी का पूरा पूरा का पूरा उसका उसकी पर्सनैलिटी छेदों से ही भरी हुई है। तो कम से कम रवीश को तो ये सब समझ में आता ही होगा चलनी और सूप क्या होता है। 22 जनवरी को फिर से प्राइम टाइम जो आता है उस पर टीआरपी का रोना रो रहा है रवीश, और टीआरपी का रोना मतलब शुरू से ही रो रहा है, ये तब से रो रहा है जब से मुंबई पुलिस ने ये स्कैम, तथाकथित स्कैम जो है इंडिया टुडे का नाम लेते हुए मैन्युफैक्चर किया था, और आज तक इंडिया टुडे क्यों नहीं बुलाया पता नहीं, तो उस पर जो है ये रोना तब से रो रहा है, क्योंकि अब इसको लग रहा है कि हाँ मेरा व्यूअरशिप क्यों नहीं है। इसने पहले भी लिखा था कि पता करना चाहिए कि क्या कितने दलितों और कितने मुसलमानों के घर में जो है मीटर लगे हुए हैं, बार्क का मीटर, ये सब मतलब ये पूछ दिया, ये पता नहीं किया कितने में एक्चुअल लगा हुआ है। तो पता कर लो ना भाई, तुम ये पता कर लो, तुम्हारे लोग हैं, रिपोर्टर्स हैं, एक रिपोर्टर को लगा दो कि वो घर घर जाके पूछे कि एनडीटीवी कौन कौन देखता है, या दलित और मुसलमानों की बस्तियों में जाए और वहां से पता कर ले, इसमें कौन सी भारी बात है। इसको तभी से मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि तुम्हारी स्वीकार्यता दिनों दिन घटती जा रही है, तुम्हें लोग नहीं देख रहे, तुम टॉप 10 से कब के बाहर हो चुके हो। तब तुम्हें लगता है कि नहीं, मोदी लोगों के घर पे छत पे बैठ के और उसका डिश एंटीना का तार काट रहा है। तुम्हें कभी लगता है कि अमित शाह जो है घरों में जाके थप्पड़ मारता है कि तुम एनडीटीवी क्यों देख रहे। तुम्हें अगर बंद करना होता रवीश तो कब का कर चुका होता। तुम्हारे मालिकों के ऊपर अभी मैंने बताया कि कितने केस चल रहे हैं, कितने अपराध साबित हो चुके हैं, सैकड़ों करोड़ों के गैरकानूनी तरीके से कमाई के। वो तो सरकार तो चाहे तुम्हें चुटकियों में मसल दे, और मुझे भी ये समझ में नहीं आता है कि क्यों नहीं कर रही है सरकार। पठानकोट के समय में तुम लोगों ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की थी उस पर तो एक दिन का बैन लगने वाला था, तुम लोग बाप बाप करने लगे थे। तो सरकार तो ये है कि थोड़ी फ्लेक्सिबल है, कुछ कर नहीं रही है, और जो सरकार कुछ करना चाह रहे हो जाके देखो अर्णब की क्या हालत कर दी है इन लोगों ने, उठा लेते और 8-8 दिन रखती है, और पार्थोदास गुप्ता के साथ क्या हो रहा है या जो भी है। अपना चैनल तुम्हारा डूब रहा है, हर दिन फेक न्यूज फैलाते हो, शर्म तुम्हें एक पैसा नहीं है, और तुम कह रहे हो कि नहीं मुद्दे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पूर्वाग्रहों पे जो है आपके पूर्वाग्रहों को किस तरह से मतलब फ्यूल किया जाता है कि आपके मन में पूरा समझा रहा है। पूर्वाग्रह शब्द का क्या मायना, उसका अर्थ समझा रहे हैं। तुम भी तो वही करते हो यार, तुम भी तो हाईली प्रेडिक्टेबल आदमी हो चुके हो। तुम आज की रात क्या बोलोगे वो सुबह में मैं स्क्रिप्ट लिख के दे सकता हूं, और तुमने यही किया है। मैंने लिखा था कि एक आदमी को पकड़ के, 3 दिन पहले मैंने बोला था किसी एक आदमी को पकड़ के और बता दिया जाएगा कि इसी का है, हिंसा होगी तो बोल दिया जाएगा अराजक तत्व जो है उसमें घुस गए थे, और बोल दिया जाएगा भाजपा वाले करवा रहे थे, एक दो को मार दिया जाएगा, एक्चुअल में भी वही हुआ। तो ये सब तो तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे पूरे वामपंथी गिरोह का, लिब्रांडू समाज का, पत्रकारिता के समुदाय विशेष का पूरा स्क्रिप्ट तुम्हारा आउट है। एनीबडी कैन राइट इट। तो तुम जो है मुद्दे को मैन्युफैक्चर करने का ज्ञान तुम बाकियों को क्या दे रहे हो। बाकी चैनल मुद्दे मैन्युफैक्चर करते हो, तुम क्या कर रहे हो। मतलब एक चैनल है ये बोल रहे हैं कि दर्शक को दंगाई बनाने का खेल हो रहा है। मुझे आशा है कि रवीश जब ये बोल रहा होगा तो सामने टेलीप्रॉम्प्टर में अपना चेहरा उसको दिख रहा होगा, अपने चैनल का लोगो भी उसके आंख में जो है एनडीटीवी बन के आ जा रहा होगा। दंगाइयों को शह किस चैनल ने दी। शाहीन बाग पे आज 23वां दिन, आज 25वां दिन, आज 60वां दिन कौन कर रहा था। तुम्हारे ही चैनल को एक्स्ट्रा एक्सेस क्यों दिया जाता था शाहीन बाग में।
जी न्यूज वाले को पीटा है, ANI के जर्नलिस्ट को पीटा है, उन लोगों ने ABP वालों को पीटा है, रिपब्लिक वालों को पीटा है, तुम्हारे तुम्ही को क्यों अलाउ किया जाता था, तुम्हारे गिरोह के लोगों को? तो दर्शकों को दंगाई तो मतलब तुम बोल रहे हो कि उनके दिमाग में जहर भरा जाता है, तुमने तो वाकई उनसे दंगे करवा लिए एक तरह से देखा जाए तो। शाहीन बाग पे तुम्हारी जिस तरह की लगातार रिपोर्टिंग थी और जिस तरह से तुमने लोगों में डर भरा, पढ़े लिखे होने के बावजूद CA तुमने क्या नहीं पढ़ा है? उसमें कहाँ है भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या लिखा हुआ है? NRC आएगा, आया क्या NRC? कितने मुसलमानों को बाहर कर दिया गया? तुम एक जो फेक प्रमाइस पे प्रोटेस्ट खड़ा हुआ था उसको शह देते रहे, उसी तरह किसान वाले में जो इन दंगाइयों को तुम शह देते रहे और ये करुणामयी गीत बताते रहे और उनकी रचनात्मकता की अखबार जो है किसान निकाल रहे हैं और यूट्यूब चैनल जो है खुल रहा है, बड़े आह्लादित हो रहे थे, स्खलित हो रहे थे इनफैक्ट, वही तो बाद में दंगाई बने रवीश। तुमने ही तो पाला इन्हें अच्छे से, तुम दूसरों पे क्यों ये आरोप लगा रहे हो दर्शकों को दंगाई बनाया जा रहा है? तुम तो ये अपने आप से बोलो, तुम स्वयं से बोलो कि तुमने कैसे दंगाइयों को कभी किसान कहा है, कभी विद्यार्थी कहा है, कभी महिला कहा है और कभी बुजुर्ग कहा है। जाके देखो तो इन भीड़ों में बुजुर्ग क्या कर रहे थे, ट्रैक्टरों पे महिलाएं भी तो आई थी, वो किस तरह के नारे लगाते थे, हाय हाय मोदी मर जा तू, बच्चियों का इस्तेमाल कैसे हो रहा था। इन्हीं दंगाइयों की भीड़ों को तो तुमने तैयार किया था जो रतनलाल को खींच के ले जाती है और उसकी हत्या कर देती है। तो तुम क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो रवीश की दर्शकों को दंगाई बनाने का खेल चल रहा है? शायद अपने आप से बोल रहे होगे।